गोरखपुर जिले में दो नए पुलिस स्टेशन जल्द ही प्रकाश में आ जाएंगे, जिसके लिए शासन के निर्देश पर कवायद शुरू कर दी गई है और जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि खोराबार थाना के रामगढ़ ताल रिपोर्टिंग पुलिस चौकी को नया पुलिस थाना और सजनवा के गीडा पुलिस चौकी को थाना स्टेशन बनाया जाएगा, जिसकी स्वीकृति हो चुकी है और जमीन का भी चिन्हांकन कर लिया गया है। कार्यदायी संस्था को भी कार्य शुरू करने की स्तुति दे दी गई है। एसएसपी ने बताया कि इसके अलावा रामगढ़ झील के पास जेट्टी पर भी अस्थायी पुलिस चौकी खोली गई है, जिससे वहां आने वाले लोगों को सुरक्षा दिया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जी बिल्कुल, दो नए थानों की स्वीकृति आ चुकी है और सैंक्शन हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गीडा और रामगढ़ ताल थाना, अभी जिनकी अधिसूचना आ गई है। बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई चल रही है और इनके लिए ज़मीन भी चिन्हित की जा चुकी है, इसका सर्वे हो चुका है और जो कार्यदायी संस्था है उसको नियुक्त किया जा चुका है। जल्दी इसमें बिल्डिंग बन जाएंगी और ये थाना चालायमान हो जाएगा। जी अभी चूंकि आपने देखा कि नौकायन नाम की जगह पर वो वाटर लाइट एंड साउंड शो चालू है, जिसको देखते हुए रोज़ शाम को भीड़ बहुत होती है और वहाँ लोग दिन में घूमने जा रहे हैं। एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हुआ है तो वहाँ की सुरक्षा के लिए एक अस्थायी नौकायन चौकी इस्टेब्लिश की गई है।